good afternoon. With the Ambassador Foundation, we are again together for another divine purpose, for against thalassemia. Thalassemia is really important phenomenon, unfortunately, in this region. And thanks to Mr. Kashif Bey and especially her mother, very valuable mother, and also family, they make big efforts to eradicate this thing in the country. And to be a part of this, as a Turkish Consul General, as Mr. Kashif Bey said, as a government representative, it is something very important and very meaningful. But the inclusion of the Celal Bey, Celala, coming from Istanbul just today in the morning, it's more than us. That's why let's give him a very big applause to Celal Bey to gracing this event. And I am here almost more than 3 years. And I am witnessing very good projects like this dramas, this medical cooperation for charity events. And that's why in the civil society, we are doing our best and we are increasing our foothold, coming from heart to heart, from Turkish people to the Pakistani people. And that's why I would like to encourage, on behalf of my country and my state and government, any intangible things we can do together and any projects, including dramas, including the grassroots enlargement for the civil societies, and anything for the healthcare. Again, we have to say Pakistan and Turkey dosti zindabad. Shukriya. इतनी देर से मेरी सांस फुलाने के बाद जिस शख्सियत का इंतजार था, आखिरकार पंडाल में वो तशरीफ ले आई और अब तो सिर्फ छुआरे बढ़ने की देर है। निकाह की और बारात की आमद का काम तो सारा मुकम्मल हो चुका। इस तंजीम के जो सही मानों में ब्रेन चाइल्ड हैं, जो इस तंजीम को चलाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमको इस मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से जो इज्जत दी है वो शायद ही किसी और जर्नलिस्ट को क्रिकेट की तारीख में भी नहीं। मेरा उठना बैठना बहुत से क्रिकेट चाहने वालों में, क्रिकेट खेलने वालों से, क्रिकेट को समझने वालों से रहा। क्रिकेट की, पाकिस्तान की क्रिकेट में इमरान खान के बाद या वसीम अकरम के बाद अगर कोई दो बड़े नाम हैं तो एक डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक हुए बगैर अपना एक बोर्ड चलाते रहे और पाकिस्तान की खिदमत में आखिरी दम तक क्रिकेट के लिए उन्होंने जान दे दी। और एक दूसरा नाम है सैयद याहिया हुसैनी का, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को न सिर्फ उनका किबला दुरुस्त करते हैं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनके हिसाब से आज तक कोई अच्छी बात हुई, कभी भी कोई क्रिकेट में अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन क्रिकेट जितनी इस शख्स को आती है उतनी क्रिकेट शायद क्रिकेट बोर्ड, पूरे क्रिकेट बोर्ड को भी ना आती हो। आप सब की भरपूर तालियां। इससे पहले कि जलाल भाई को स्टेज पे बुलाया जाए, मेरी इल्तमास, मेरी दरखास्त कि उमैर सना फाउंडेशन के सही मानों में थिंक टैंक के सरबरा जनाब सैयद याहिया हुसैनी साहब, वालदा मोहतरमा यहाँ पर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। सरफराज अकबर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। और जहां जहां मेरी निगाह जा रही है, आप पीछे देख रहा हूँ मैं, सरफराज अकबर साहब के पीछे डॉक्टर फवाद बैठे हैं। फवाद भाई असल हीरोप है माशाल्लाह। जुनैद अली शाह साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं बहुत इंतहाई माजरत चाहता हूँ डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब के साथ। आपने क्रिकेट के हवाले से बात की लेकिन जो काम जुनैद अली शाह साहब को करना चाहिए वो हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त सखर से आ रहा हूँ और मैं रात को 3 बजे निकला हुआ था, तो मैं यहाँ पहुंचा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं 1 घंटा सो गया। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ काशिफ भाई आपसे। और वहां जाने का मकसद ये था कि खवातीन हॉकी का एक ओपनिंग सेरेमनी थी, कराची हॉकी एसोसिएशन के रूमेरवा जुनैद अली शाह साहब हैं, आप वहां पर मौजूद नहीं थे,
लेकिन आपकी कमी को हमने डेफिनेटली वहां पर महसूस किया। जान का सत्ता खून का दिया, उमैर सना फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर ये जो जिंदगी में खून के खतरे की अहमियत है, जिसको सही मानों में यहाँ पर उजागर किया गया है, और ऑल द वे ह्यूस्टन से नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग करके डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब आए हैं, जो काम आप कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के तवस्सुल से या उमैर सना फाउंडेशन के तवस्सुल से जो कुछ यहाँ पर साकिब अंसारी साहब और उनकी टीम कर रही है, मैं चाहूंगा कि एक भरपूर क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए उसके लिए। जितने इस वक्त हॉल में लोग मौजूद हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को साकिब अंसारी का काम अच्छा लग रहा है। तालियां जरा होनी चाहिए, हमें पता चले। काशी भाई, हमारे अगले मेहमान, अगर आप उनको इंट्रोड्यूस कराएं, आप उनको स्टेज के ऊपर मधु करें, तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब ये होगा। थैंक यू अजय भाई, आप स्टेज पे तशरीफ रखिएगा। सो नाउ उमेद बे, यू आर आवर ऑनरेबल गेस्ट इन पाकिस्तान। आई नो यू हैव बीन हियर बिफोर, बट दिस विजिट कुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड विदाउट योर रिलेंटलेस वर्क, योर स्लीपलेस नाइट्स, and your honesty to the cause. On behalf of Umair Sana Foundation and 230 million people of Pakistan, I want to thank you. Thank you from the bottom of my heart. Thank you very much. So now what I'm going to say, please translate and for Tolga, Brother Tolga, you are sitting there. Our last piece of work here is to recognize the biggest donor with big hearts. People standing in the back, people here, they don't want to shake my hand because they believe that the person who's chosen to be here today is much more deserving for their pictures, their snaps, their clicks than I am. And there's only one reason. Please tell him this reason. And the reason is Quran. When Umar Farooq رضی اللہ تعالی عنہ, when he captured Jerusalem, he walked in with dirty boots and was pulling the camel on which his servant was sitting. His clothes were torn apart, his hair were dusty, and he smelled like sweat all over his body. The commander-in-chief of Muslim army came to him and told him, "Sir, this whole city is waiting for you to enter. They are ready to give us the keys. If you decide to at least take a shower, get up on the camel. Please tell us." And in response to that, Umar Farooq رضی اللہ تعالیٰ عنہ stated, "Do you think that this city or this world belongs to us because we wear expensive clothes, or we have the best horses, or we have the best weapon? No, my brother, you are mistaken. This world is under our feet as long as we have Quran on top of our heads and it lives in our hearts. So when Jalaluddin came to Pakistan last time, Quran was here. His Quran was on his tongues. His Quran was in his heart. His recitation of Quran was from here, not from here. He met with every human being because he believed that human being is going to open the door and request the opening of the door by Allah subhanahu wa ta'ala for him to go to Jannah. Every Pakistani saw him as a soldier of Allah. And today, I feel proud to invite the soldier of Allah on stage, give him the warmest welcome, Mr. Abdul Rahman Ghazi." And while he's coming to the stage, please be aware that everybody will walk him through these stairs, walk up to the stage, aap upar aayenge, nasib.
ताकि कोई रश कोई हंगामा ना हो, हर एक की तस्वीर खींचे, सामने कैमरामैन खड़े होकर एक करके तस्वीर खिंचाते हुए उतरते चले जाएंगे और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इट्स ऑल योर्स ब्रदर। सलाम अलैकुम। First of all, I would like to thank you invite us for this good event. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 32. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki her kim bir canı kurtarırsa, bir insanı kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Ama her kim de bir canı öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. İşte burada bir canı kurtararak bütün insanlığı kurtarma gayretindeyiz. Ve inşallah binleri, on binleri, yüz binlerce kardeşimizin, kan bekleyen, acil durumda olan kardeşlerimizin hayatının kurtulması içindir çabamız. Her birinizden Allah razı olsun. Before he translates, se pehle ki translate kare, aap tamam azan se tayyib ke wahan baithe, kyunki ye tasveer bhi ki jayegi covid ki wajah se inki khwahish hai ki ek ek aadmi utar ke aata jaye, warna ye abhi stage se utar jayenge. To meri darkhast hai aap logon se intezaar hai ki thodi der baad baithe ki baat mukammal ho jaye, fir ek hi kar liya stage pe aake. कोविड का मसला था, ठीक है, आप उधर बड़ी मेहरबानी प्यारे भाई, जो लोग यहाँ बैठे हैं तो बैठे रहे, बाकी लोग वहां जाए। अल्लाह सेज टू अस एट माइदा सूरत हु इज सेव अवर लाइफ हु वुड लाइक से सेव ऑल ह्यूमन काइंड ऑन द वर्ल्ड और हु इज टेक अ लाइफ व्हिच इज take our life all over the world, which is the reason of we are here today. And I will say again, Jazakallah khair, who is here for give their blood. İşte biz Allah'ın o emriyle bir insanı kurtaran, bütün insanlığı kurtarmıştır ayetiyle yola çıkarak burada en az bir kişi kurtaralım diye yetettik. Ve geçen ayki programlar sonra on binlerce insanın kan vermek için başvuru yaptığını, yüz bir yakın insanın başvuru yaptığını duyunca çok çok mutlu oldum. Ve bu noktada bu kan bağışı çağrısı yapmıştık. Yapmış olduğumuz bu çağrıya bu şekilde güzel cevap verdiğiniz için her birinizi gönlünden selamlıyorum. He's speaking in Turkish very, very good, but I'm not sure how I can translate it in English. But I can try, inshallah. When I was here last time, when I was giving my blood to him, after that event, when I was going to Turkey, I listened, I learned more than 100 people applying to give their blood to the Umar Sana Foundation for the Talasami child. And I'm very happy for that. Inshallah, I would want to come again to here and increase the campaign in Pakistan, inshallah. And I'm very happy now because of I'm here and Allah give this opportunity again to us. Ve inşallah on binlere, yüz binlere ulaşmanın vermiş olduğu mutlulukla bu seferki kampanyamızda hedefimiz milyonlara ulaşmak, milyonlarca insanın kan bağışı yapmasını, kanser, telesili, lösemili hastalarının ve daha nice kan bekleyen hastaların hayatlarına umut olmalıdır. And our goal is now, you know, Pakistani people is more than 215 million, I think, right? More than 230 million.
230 million people there is there are in Pakistan. Our goal, volunteer, blood volunteer goal is more than millions, inshallah, at this time. And we are here because of that. İlk geldiğimizde durumları çok kötü olan, umut ile bekleyen hasta çocuklarla görüşmüştük. Ve çok mutlu olduklarını söylemişlerdi. Ben onlara eğer moraliniz gibi tutarsanız, kendiniz moralli olursanız, hayata yeniden dönmeye çalışırsanız, sizlerle yeniden buluşacağım diye söz vermiştim. Yeniden Karaçi'ye geleceğimi söz vermiştim. Ve onlara iyi olduğunu, toparladıklarını duyunca çok mutlu olduk. Ve inşallah Allah'ın izniyle yeniden geldik. Ve geçen ay söz verdiğimiz o durumları kötü olan kanser, tebessüm ve ÖSİDE hastası çocukların sözünü verdiği üstünü tuttuk. Ve onlar iyi oldular. Başka çocuklara da vesile oldular. İyi oldular, moral oldu. Ve tekrar geldik. Sözümüzü tutmaya geldik inşallah. Sekkâhe Abdurrahman Gazi sahab ne firmaya ki akbisti defa jab mein aya tha to mainne ek bachche ke liye apna khun diya tha aur us bachche ki muskurahat aaj tak main apne dimaag se nikal na paya. और जिस वक्त मुझको ये कहा गया कि मुझे कराची जाना है तो मैंने अपनी सारी शूटिंग कैंसिल कर दी और मेरी ख्वाहिश है कि उस तरह की मुस्कुराहट मैं पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के चेहरों पर दिखाई दूं. कहते हैं कि आज से तकरीबन 100 साल पहले इसी तरह की मुस्कुराहटें आपके बाप दादाओं ने हमारे बच्चों के चेहरों पर फैलाई थी. आज तो वक्त आ गया है कि उनके परपोते और परपोतियां उन मुस्कुराहटों को सूद के साथ इस कौम के हवाले वापस करें. Çok çok kıymetli Türkiye Başkonsolosumuz Tolga Uçak Bey'in de bu noktada desteği bizim için çok çok önemli. Onların burada oluşuyla bizim varoluşumuz daha elzem oldu. Onlardan Allah razı olsun. Kardeş ülkemiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün halkının 85 milyon kardeşinizin de size selamlarını getirdik. Bu kan bağışıyla kardeşlik bağlarımız yeniden pekişsin. Tıpkı atalarımızın 1915 Çanakkale'de bizlere kanını canını verdiği gibi sizlere çok şey borçluyuz. फरमाते हैं कि 8.5 करोड़ अवाम जो तुर्की में बसती है मैं उसका पैगाम लेके आज एक सफीर के तौर पे हाजिर हुआ हूँ और ये मेरी विजिट ये मेरा पाकिस्तान आना मिस्टर टोलगा एम्बेसडर और टर्किश काउंसलर जनरल पाकिस्तान विदाउट हिज सपोर्ट इनकी सपोर्ट के बगैर इट वाज टोटली इम्पॉसिबल. और इनका ये कहना है कि 8.5 करोड़ अवाम अपने चेहरों पर मुस्कुराहट दिए पाकिस्तान के आवाम में दिखते चेहरों पर बिखेरने के लिए बेचैन है और मेरी ये ख्वाहिश है कि काश कि ये मुस्कुराहटें यकसा हो जाएं ये दिल जो एक साथ धड़कते हैं ये और तेज तेज धड़के और पूरी दुनिया के अंदर इस 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 वबा का इस मुस्कुराहट का इस प्यार का की वायरस फैल जाए. इंशाल्लाह kardeşlerimiz daim olacaktır ve son olarak sizlere Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman yapımcılarımız olan Mehmet Bozda, Kemal Tekten, yönetmenlerimiz ve bütün oyuncu arkadaşlarımızın sevgi ve selamlarını iletiyorum. Ab hoşgörü Pakistanlıyor ki diye ki ki Brother Abdurrahman Gazi ne ivada kiya hai. आज तो वो दिलिश अर्तुरुल की इस पूरी कास्ट का जिसमें 300 से ज्यादा किरदार मौजूद हैं उन सब के सलाम पेश करते हैं. उसके साथ साथ मेरे पर्सनल दोस्त माय पर्सनल फ्रेंड माय पर्सनल बडी माय प्रोफेशनल बडी
Mr. Honorable Kamal Tekin Sahab. He's saying salam from Kamal Tekin, Mehmet Bozdar, and the entire crew, the entire team of Ertugrul Ghazi. Ertugrul Ghazi is not just for Turkey. कहते हैं कि सिर्फ तुर्की के लिए नहीं है, अर्तुगरुल गाजी हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखता है। Sizin milli kıyafetinizi giydim yakışmış mı? कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस पहना है, क्या मैं इसमें अच्छा लग रहा हूं? अब बताइए इसको। ये पाकिस्तानी ड्रेस सरफराज अकबर साहब ने रातों रात तैयार करके इनके होटल के काउंटर पर छुड़वाया था। दिस ड्रेस इज मेड बाय दिस जेंटलमैन सिटिंग राइट हियर। थैंक यू। ही इज द बेस्ट टेलर इन पाकिस्तान। ही आल्सो डज लेडीज टेलरिंग, सो यू कैन हैव योर वाइफ ड्रेस टू। ओके, थैंक यू। सो सर्व द स्टेज। सो द प्रोग्राम वी गोना वाइंड अप। आई विल रिक्वेस्ट यायो शमी साहब, प्लीज माइक आप ले लीजिए। Yaya Hussaini Sahab will take over. So the plan, as I said, सबकी तस्वीरें खींचेंगी, हर एक स्टेज पे यू वॉक करके आता चला जाएगा, और थैलेसीमिया के वो बच्चे जिनको खून मिला है उनको ये गुलदस्ते भी देंगे और शील्ड भी देंगे, लेकिन बददस्ती ना हो, पता चले कि ये पाकिस्तानी कौम है, खुदा रहा एक दूसरे पे ना चले, एक एक करके आए। मैंने आपसे वादा किया कि सबकी तस्वीर खींचेगी, स्टेज पे रुकिएगा नहीं, चलते चले जाइएगा, सामने माइक से कैमरामैन खड़े, अपने भी लड़की खड़ी कर दीजिए जो आपकी तस्वीरें खींचे, जैसे ही तस्वीरें मुकम्मल होंगी ये प्रोग्राम इस्लाम को पहुंचेगा। सो आई विल रिक्वेस्ट द टू मोस्ट ऑनरेबल एंड अलॉन्ग विद देम अ बंच ऑफ ऑनरेबल पीपल सिटिंग हियर, डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह, मिस्टर टोगा, मिस्टर सरफराज अकबर, सुई गैस सदर कॉरपोरेशन, सर प्लीज स्टेज पे, सर प्लीज प्लीज कम ऑन स्टेज। थैंक यू सर। सर प्लीज तशरीफ लाइए, आप दोनों भी आइए प्लीज। सर प्लीज स्टेज पे, प्लीज प्लीज कम ऑन, कम ऑन स्टेज, प्लीज कम ऑन स्टेज। होगा ये कि यहां से एक एक आदमी आता जाएगा, आप सिक्योरिटी वाले प्लीज, आपसे मेरी दरखास्त है कि कोई रुके ना इस स्टेज पे, चलते चले जाए और सामने से प्लीज सर तशरीफ लाइए। डॉक्टर सादिब अंसारी प्लीज, सर प्लीज कैसे मिला, ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, आपने यहाँ पर मेला लगा दिया। डॉक्टर फवाद आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आ जाए, और डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब अगर आप ये भी दरख्वास्त कर दें हमारे ऑनरेबल मौजूद मेहमानों से, उनके साथ स्टेज पर मौजूद है, जिस हद तक फासला रख सकें सोशल डिस्टेंसिंग को अगर आप वो मेंटेन करें तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा मेरा ख्याल है। शेख खान साहब के लिए बहुत सारी तालियां, अपनी पीरपना मसूदियत में से वक्त निकाल दिया, तालियां बजाइए। शेख खान साहब के सिपाही स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, एक एक करके स्टेज पे आते जाएंगे, और सबसे बड़के हाँ रियाज खान साहब भाई, रियाज भाई मुझे अभी ये कह रहे थे कि यार आजकल जितनी टर्की की जबान हमारे मुल्क में समझी जा रही है और बड़ी मुश्किल जबान है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं, तो मेरा पहले पहले एक दो लफ्ज अयाज भाई यहाँ पर अदा कर रहे हैं, उसके बाद मेरे ख्याल मजीद गुफ्तगु को आगे बढ़ा रहे। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त ऐसा है कि हमारे मौजूद मेहमानों को वैसे तो किसी जुड़े हुए लोगों को पता नहीं जाता, लेकिन यहाँ ये ऐसा मकसद है जिस मकसद में हर एक शख्स है वो चाहता है उसका कंट्रीब्यूशन हो, और मैं साफ हूँ किसी में हम उसका एक बार अपने आप को समझ के हम समझते हैं कि अल्लाह पाक हमें उसके इज्जत दी है। ये सारे जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे वो पायनियर्स हैं जिनके साथ मिलकर हमारी इस फाउंडेशन को ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, और तुर्की से आए हुए हमारे ये मेहमान और बस जितने लोग यहाँ हैं ये बड़े कीमती हैं, और जो लोग ब्लड दे रहे हैं उनके लिए खास तौर पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ब्लड दें और दूसरे लोगों को भी
इस बारे में बताएंगे, खून देने से कुछ भी होता आपका दिल बड़ा हो जाता है, और जब दिल आपका ज्यादा स्ट्रांग और बड़ा होता है तो आप उसी खून पैदा कर सकते हैं। तो मेरी बहुत सी दुआएं और बहुत शुक्रिया कि मुझे आप हमेशा इज्जत देते हैं, और हम सब जगजा होंगे, हम सब का एक ही कॉज है जिसके हम सब लोग पार हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो मेहमान जो कि इसमें तशरीफ लाए हैं, उन सबके लिए एक दफा जरा वेलकम की भरपूर तालियां होनी चाहिए। असर एजाज साहब नशीन कहेंगे स्टेज पे। असर एजाज साहब शहबाज इस्लाम साहब पूरे क्या दोबारा बताऊ नाम आपका नाम बोलना मैंने डॉक्टर साकिब अंसारी साहब खामोश सिपाही फाउंडेशन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे तशरीफ लाएं। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शहबाज इस्लाम साहब उनको डॉक्टर साकिब अंसारी साहब जो है वो मोमेंटो पेश करेंगे और शील्ड देंगे, जो उनको इस बात की याद दिलाएगी कि आप उमैसाना फाउंडेशन के इस ओकेशन पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर साकिब अंसारी शील्ड प्रेजेंट करेंगे शहबाज इस्लाम साहब को, जिन्होंने सूरी सौदन गैस के प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है वुमेन सना फाउंडेशन और थैलेसीमिया के इन बच्चों के लिए। आपकी भरपूर तालियां। आगे बढ़ती जा रही है तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्योंकि घर की दूरी दाल बराबर, तो मेरी यावर मेरा जो भांजा है यावर अभी पूरा इवेंट कोऑर्डिनेट उन्होंने किया है। आप प्लीज यावर के लिए बेशुमार ताली बजाइए। सुबह से रात से बहुत जल्दी आप दूरी से आती है मेरे को छोड़ के इवेंट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अल्लाह बसाए। अभी डॉक्टर आशीष भंसारी साहब बता रहे थे कि हमारे जो आज के मौसम का नाम चीफ गेस्ट है, जिन्होंने आपसे पूछा भी है मैं पाकिस्तान के कौमी लिबास में कैसा लग रहा हूँ, ये तो उन्होंने पूछ गया है मैं हूँ ये कौमी लिबास है और आपकी राय क्या है, लेकिन ये बना कैसे हमारे साथ मौजूद है सरफराज अकबर साहब एम्बेसडर पाकिस्तान में सूट का शलवार कमीज के हवाले से एक बहुत आम नाम है और बहुत तेजी से उन्होंने जगह बनाई है और एक बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। सरफराज अकबर साहब को मैं चाहूंगा कि साकिब अंसारी साहब को शील प्रदान करें। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही मोहतरम, लेकिन दिल के बात करी है लेकिन मुलाकात से बस अपनी बात नहीं होती है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर काशिम अंसारी साहब से, ये वो हमारे इतिहादी मोहसिन मोहतरम साबित सुबह के कराची हॉकी एसोसिएशन के सरबरा और हमारे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह महमूद के फर्जंद डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की हिम्मत में चीफ गेस्ट। इस कारना को बनाने में इस एफर्ट को यहां तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों ने किरदार अदा किया और कुछ लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कुछ लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के तवज्जो से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गांव में घर में तो अपने काम कर रहे हैं और अपने घर को उन्होंने इस एफर्ट में इन्वॉल्व किया है। वैसे ही हमारी एक एफर्ट में शामिल हुए हैं शोएब खान साहब और मरीना खान। आपकी भरपूर ताकत में डॉक्टर साकिब अंसारी साहब को शरीफ प्रेजेंट करें। डॉक्टर काशिम अंसारी और साकिब अंसारी की माता मोहतरमा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी नहीं डॉक्टर साहब अभी नहीं,
और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड एसएमएस से हमारे पास आज मौजूद है अनस अतीक साहब, डॉक्टर साकिब अंसारी साहब, उनको शुक्रिया पेश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साकिब अंसारी साहब से कि वो असगर भाई हमसा और फहीम को डॉक्टर साकिब अंसारी साहब चीफ गेस्ट रहेंगे, हमारे हर फंक्शन में हमारे साथ होते हैं। दिल क्या है पाकिस्तान, पाकिस्तान में अगर कॉमेडी की बात की जाए, आप सुनते किसकी बात करेंगे, कॉमेडी की बात के गानों में आसानी की दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को हंसाना, और पाकिस्तान में यदि मानिए एक जो पाइनियर्स हैं अख्तर मलहूर सरदार के दरबार को उड़न करवाए, उन अख्तर मलहूर के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो मजार शाह साहब है। दिल क्या है, दिल में अंदाज क्या है, आजकल मैं बहुत ज्यादा बता रहा है यूट्यूब के ऊपर और बहुत ज्यादा गाली दे रहे हैं, इतनी गाली दे रहे हैं कि मुझे समझ रहा है कि डॉक्टर के जो काम है वो बनता होता है, लेकिन उतनी तेजी के साथ स्टार्ट भी करते हैं, दिल में अपराध भी सामने आ रहे हैं, ऐसा मैं पूछूंगा किसी ने डॉक्टर फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर काशिप अंसारी साहब को शीट पेश करेंगे, डॉक्टर फवाद साहब बनती है तो जल्दी बनती है, और मैं सना फाउंडेशन की इस काबिज को बगैर सपोर्ट के फाइनेंशियल हेल्प हम आगे नहीं बढ़ा सकते, और इसके लिए मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने पार्टनर्स का जिन्होंने हर कदम पर हमारी हौसला अफजाई की है, बैंक मजबूरी पर हमारी को शीख असद एजाज साहब, और उसके अलावा ई एस यू इंश्योरेंस और अगर किसी का नाम लेना यहाँ पर बोलिया हूँ, क्योंकि मैं तो दिन साफ बात में जो लिख दी है मैंने उसी को फॉलो किया है, यहाँ पर एम्बुलेंस के कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पर मौजूद है, साकिब अंसारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको शीट पेश करें। अब जो मैं नाम साहब आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साकिब अंसारी साहब आपको शीट पेश करें। अब मैं ये चाहूंगा अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो उठे पिछ करके हमारे बहुत मेहमान को, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि डॉक्टर काशिप अंसारी साहब जो हमारे अंबेसडर हैं यहाँ पर मौजूद है और हमारे बहुत से मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए जो है वो शीट है हासिल करें डॉक्टर काशिप अंसारी। कंट्रीज आर नोन, अपने देश में बोलना पड़ेगा ताकि रेस्ट के साथ सुनेगा, तालियां लगा कर दूर हो जाए क्योंकि खाने की खुशबू ऊपर से आती है, सबको खाना लगे जो एम्बेसडर होते हैं, द पीपल हु आर एम्बेसडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स द फेसेस ऑफ द कंट्री, बेसिकली आर द रियल कंट्री एंड द वे दे बिहेव एंड द वे दे ब्रिंग द टू कंट्रीज टुगेदर is not only the present, but they start shaping the future. And the way Mr. Topaz has given the shape to the future of Pakistan and Turkey's relationship cannot be explained in simple English or simple Urdu. Ladies and gentlemen, this is just a token of appreciation because this country, the people of this country, lives in our heart. And even if you tear it apart, try to make it into million pieces, every piece will come. Pakistan will be Zindabad.
मोहम्मद एजाज साहब आई से हमारे साथ स्टेज पर पहुंचे हुए काम पर वापस आने के साथ ही साथ मुझे मिल सकते असल तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने मोहब्बत और फरूस के साथ लापराए और आपका
आप लोग सेल्फी लेना चाहते हैं तो पहले हम आपसे बोल रही आप लोग अपनी एक एक सेल्फी लेना और फिर यहाँ पर झंडे हो और यहाँ से आप लोग वापस चले जाए लेकिन ना तो आपको ध्यान रखिएगा ठीक है। अगर जो सेल्फी लेना चाहते हैं ठीक है तो चाहिए सबको सेल्फी लेने का मौका मिलेगा लेकिन आप लोग कन्फर्म कर लो बात होगी Thank you very much. Next group.